नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू में। जेंट्स मेंस के जो है परिणाम घोषित हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कल आप लोगों का परिणाम जारी हो जाएगा, तो फाइनली जेई मेंस का परिणाम जारी हो गया है। लेकिन परिणाम का भारी स्तर पर विरोध किया जा रहा है। अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट जो है उनके उम्मीद के मुताबिक नहीं आया है। कोई कह रहा है कि सर मेरे मार्क्स कम हो गए हैं, कोई कह रहा है कि सर मेरे मार्क्स ज्यादा हो गए हैं। और यहाँ पर एक ये कह सकते हैं कि सूचना फैल रही है कि 3000 सीटों की सरकारी गवर्नमेंट सीटों की वृद्धि होगी। तो चैनल प्रयास तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से पल पल की ऑथेंटिक जानकारी दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं जो रिजल्ट में गड़बड़ियां पाई गई है मैं खुद ही जानता हूं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पास आए थे जिनके मार्क्स कम हुए। ठीक है, तो क्या आप लोग का रिजल्ट रिवाइज जारी हो सकता है? तो इसके लिए दोस्तों मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोगों के अंदर यूनिटी आएगी नहीं। अगर मैं ट्विटर अभियान कराऊंगा, ट्विटर अभियान में भी नहीं साथ दोगे। तो इसलिए दोस्तों रिजल्ट आपका तभी दोबारा जारी हो सकता है जब एक व्यापक स्तर पर दोस्तों ट्विटर अभियान हो और बड़ा ट्विटर अभियान हो, तब दोस्तों आप लोग का दोबारा रिजल्ट जारी हो सकता है। दूसरी बात, जो सोशल मीडिया पर ये पेपर कटिंग वायरल हो रही, जेई मेंस के परिणाम में भारी गड़बड़ी, दोबारा जारी होगा रिजल्ट, जेई मेंस का रिजल्ट। ठीक है, तो ये पेपर कटिंग बिल्कुल फेक है। प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू इसकी पुष्टि नहीं करता है। और आप लोगों की जो सीटों की संख्या है कुछ बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक बढ़ी नहीं है। और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या आप इस रिजल्ट को रिवाइज जारी कराना चाहते हैं या नहीं। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा पूरा सपोर्ट है। जो कहेंगे दोस्त, मैं आपको हर कमेंट्स को रीड करने के बाद एक प्रॉपरली डिसीजन पहुंच जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।